दोस्तों मैं बहुत दिन बाद आया फिर से और एक वीडियो लेके। जैसे कि दोस्तों एक नया चैनल ओपन करने के बाद काफ़ी लोग सब्सक्राइबर जो है हाइड करते हैं और दोस्तों इसी तरह हाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके सब्सक्राइबर जो है हाइड करना चाहते हो तो दोस्तों आप हाइड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट होता है, ये कन्फ्यूज होता है कि मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ। लेकिन दोस्तों मेरा और एक चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस चैनल से मेरा अर्निंग भी हो रहा है और दोस्तों मैं एक नया से एक चैनल ग्रो किया है और मुझे खास करके पता है कि एक नया चैनल कैसे ग्रो करना है और एक नया चैनल ग्रो करने के लिए पीछे कितना काम करना होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक नया चैनल ग्रो करने के लिए दोस्तों आपको क्या क्या काम नहीं करना है और क्या क्या बात वीडियो के अंदर ऑडियंस को नहीं बोलना है। सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज़ न्यू क्रिएटर्स ने ये गलती करता है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए ये मतलब बार बार कहते हैं कि अगर मेरा चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ वीडियो शेयर करना है या और कुछ करना है। लेकिन ये 100 में से 99% लोग ये चीज़ गलती करते हैं। दोस्तों मैं इस बात के ऊपर एक चीज़ उदाहरण लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपने एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है और उस टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक लेके आपने वीडियो बनाया है और उसी वीडियो के ऊपर किसी एक ऑडियंस ने क्लिक किया है, तो दोस्तों ये आप समझ सकते हैं कि जो ऑडियंस आपके वीडियो पर क्लिक किया है कुछ ना कुछ ज़रूर है, इसलिए क्लिक किया है आपकी वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो जब कंप्लीट नहीं होता है, यानी कि जिस ऑडियंस ने आपके वीडियो पर क्लिक किया है ऑडियंस को जब ऑडियंस की जो कमी है, कमी जब एक्सेप्ट नहीं होता है, तब दोस्तों आपके चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं करता है। और फर्स्ट टाइम अगर आप कहते हो कि भाई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, तब ऑडियंस क्या करता है कि ऑडियंस आपके वीडियो जो है यहीं पर छोड़ के चले जाता है और बाकी उसी टॉपिक की जो चैनल है चैनल की वीडियो वॉच करता है। तो दोस्तों ये गलती आप कभी भी नहीं करना है। दोस्तों वीडियो की एंड में आप जाके इसको कहा जाता है कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों ये आप कह सकते हो कि अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किया है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और दोस्तों और एक चीज़ न्यू क्रिएटर्स ने और बड़े बड़े क्रिएटर्स ने गलती करता है मुझे लगता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपने एक वीडियो क्रिएट किया है और ये वीडियो आपके चैनल पर अपलोड किया है और अपलोड करने के बाद दोस्तों आपके वीडियो पर आपने कहा कि भाई बिना स्किप करते हुए ये वीडियो पूरा वॉच करना है, तो अब दोस्तों ऑडियंस को लगता है कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ गलत चीज़ है या वीडियो को आप ज़बरदस्त ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, इसलिए आपने ये बात किया है कि वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा वीडियो वॉच करना है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको नहीं कहना है, क्योंकि दोस्तों आप बार बार ये कह सकते हो कि भाई बिना स्किप करते हुए ये वीडियो फुल वॉच करना है। लेकिन वीडियो के अंदर ऐसा पार्ट हो सकता है जो पार्ट ऑडियंस को शायद पसंद नहीं आता है, तो ये 100% ऑडियंस आपकी ये पार्ट जो है स्किप करता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके नया चैनल है और आप चैनल से ग्रो करना चाहते हो और यूट्यूब से थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हो तो भाई ये सब गलती नहीं करना है। तार जो है दोस्तों देखिए काफ़ी लोग मतलब वीडियो के अंदर एक तरह कंटेंट होता है और थंबनेल पर और कुछ लिखता है, तो ये सबसे बड़ी गलती होता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपने एक गलत थंबनेल बनाया है और आपके वीडियो पर सेट किया है, तो वीडियो अपलोड करने के बाद कोई ना कोई ऑडियंस तो आपके वीडियो पर क्लिक करता है। लेकिन क्लिक करने के बाद जब ऑडियंस को लगता है कि आपने थंबनेल पर कुछ लिखा है और वीडियो के अंदर और कुछ आपने बताया है, तो जो ऑडियंस ने एक बार क्लिक किया है उसके बाद दोस्तों आपके चैनल पर आप वीडियो अपलोड करते जाएंगे, लेकिन जो ऑडियंस एक बार आपके वीडियो पर क्लिक किया है वो दोबारा क्लिक नहीं करता है। क्योंकि ऑडियंस की जो फेथ होता है ये पूरा निकल जाता है, यानी कि विश्वास जो है पूरा उड़ जाता है और नेक्स्ट टाइम आपके वीडियो पर क्लिक नहीं करता है। क्योंकि ऑडियंस को ये पता लग जाता है कि ये भाई गलत वीडियो अपलोड करता है, तो ये चीज़ आप कभी भी नहीं करना है। और वीडियो के जो आज के वीडियो जो है वीडियो के जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि सब्सक्राइब हाइड करने से क्या होता है और अगर हाइड सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब क्या आपको फ़ायदा होता है और क्या लॉस होता है। दोस्तों देखिए मान लीजिए आपके चैनल बिल्कुल नया है और आपने सब्सक्राइब हाइड किया है
तो ऑडियंस को तब पता लगता है कि जब वीडियो के ऊपर क्लिक करता है तो ऑडियंस को पता लगता है कि आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स कितना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो जब सजेस्टिंग में जाता है या शॉर्ट्स में जाता है तो उससे पहले सब्सक्राइबर्स कितना है ये ऑडियंस को बिल्कुल पता नहीं लगता है। और ऑडियंस तब आपके चैनल सब्सक्राइब करता है जब आपकी वीडियो की जो क्वालिटी अच्छे होते हैं तब ऑडियंस आपकी चैनल को सब्सक्राइब करता है। यानी कि दोस्तों, आपकी वीडियो की वॉइस अच्छी होना चाहिए, आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, सब कुछ अच्छे होना चाहिए, आपकी कंटेंट पर दम होना चाहिए, तब ऑडियंस आपके चैनल सब्सक्राइब करता है। और दोस्तों, अगर आप 100 बार क्या है उससे ज़्यादा आप ऑडियंस को बता सकते हैं कि भाई मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, तब ऑडियंस घंटा करता है। क्योंकि दोस्तों, आपकी कंटेंट पर दम होना चाहिए, आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, तब दोस्तों अगर आपके चैनल पर मान लीजिए 100 सब्सक्राइबर्स है तब भी ऑडियंस आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है। क्योंकि ऑडियंस को लगता है कि इस चैनल के ऊपर जेन्युइन वीडियो अपलोड होता है और ये चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी चैनल का वीडियो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, ऑडियंस आपके चैनल सब्सक्राइब करता है। मान लीजिए दोस्तों, आपके चैनल पर 10K सब्सक्राइबर्स है और आपके चैनल पर आपने जो वीडियो अपलोड करते हैं ये वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी वीडियो पर दम नहीं है, तो अब दोस्तों ऑडियंस क्या करता है कि 100 में से 2% लोग आपके चैनल सब्सक्राइब करता है और बाकी 98% लोग आपकी वीडियो देख के चला जाता है, यानी कि आपकी चैनल सब्सक्राइब नहीं करता है। तो दोस्तों, चैनल की जो सब्सक्राइब हाइड करने का जो ऑप्शन था ये YouTube ने हटा दिया है और दोस्तों आप हाइड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, हाइड करने से आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होता है, ये बिल्कुल गलत सोच होता है। सब्सक्राइबर्स तब इंक्रीज होता है जब आपकी कंटेंट पर दम होता है, आपके कंटेंट अच्छे होता है, आपके कंटेंट वैल्यूएबल होता है, ऑडियंस को लगता है कि ये कंटेंट सच में अच्छा है, तब आपके चैनल सब्सक्राइब करता है। या आपके चैनल पर मान लीजिए 10 सब्सक्राइबर्स हो तब भी ऑडियंस आपके चैनल सब्सक्राइब करता है। लेकिन आपके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स हो सकता है लेकिन तब भी ऑडियंस सब्सक्राइब नहीं करता है, क्योंकि आपके कंटेंट पर दम नहीं है और आपने जो कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड करते हो इस कंटेंट पर वैल्यू नहीं है, तब दोस्तों ऑडियंस कभी भी आपके चैनल सब्सक्राइब नहीं करता है। सो दोस्तों, वीडियो आज के लिए इतना ही है और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना है। और यूट्यूब रिलेटेड जितना वीडियोस है इस चैनल के ऊपर देखने को मिलता है, इसलिए मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों, और एक बात मुझे याद आया है कि दोस्तों देखिए, यूट्यूब पर काफ़ी नए यूट्यूबर्स है या पुराना यूट्यूबर्स है काफ़ी गलत रास्ता आपको बताते हैं। और दोस्तों, अगर आपके चैनल ग्रो करने के लिए गलत रास्ता आप ढूंढ लेते हो तो भाई आपके चैनल कभी भी ग्रो नहीं होता है। और मान लीजिए आपके चैनल मोनेटाइज भी हो गया तो अब दोस्तों आपके चैनल से आप अर्निंग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गलत रास्ता से कभी भी सक्सेसफुल तरीके से आप एक यूट्यूबर नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मेरा इतना ही है। वीडियो पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करना है और एक लाइक कर देना है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अनदर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।